Hi friends, my name is Afsar Khan and you're watching my channel. I have qualified NET and I am a teacher of English literature. और ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स। ये वीडियो डिवाइड है थ्री पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में राइटर की बायोग्राफी और उसके वर्क के बारे में कुछ फैक्ट्स होंगे और फिर राइटर ने क्या क्या वर्क लिखे उन सब की बात करेंगे। फिर लास्ट में राइटर के इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे, उसको समराइज या एनालाइज करेंगे। ये सारी जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने ली है, जो आपको कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्यू आर्नल्ड की। सबसे पहले इनके लाइफ के और वर्क्स के कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फैक्ट नंबर वन, मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822। फैक्ट नंबर टू, वो एक विक्टोरियन पोएट थे, कल्चरल क्रिटिक थे और एजुकेशनलिस्ट थे। फैक्ट नंबर थ्री, उनके पिता का नाम थॉमस आर्नल्ड था, जो कि एक रग्बी स्कूल में हेडमास्टर थे, और उनके ब्रदर थे टॉम आर्नल्ड, जो लिटरेरी प्रोफेसर रहे। फैक्ट नंबर फोर, मैथ्यू आर्नल्ड की जो स्टार्टिंग में एजुकेशन हुई वो रग्बी स्कूल में हुई, उसके बाद में ग्रेजुएशन उनकी बैलियाल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई थी इन 1844 में। फैक्ट नंबर फाइव, मैथ्यू आर्नल्ड दो अलग अलग कॉलेज में गए थे, विंचेस्टर कॉलेज एंड बैलियाल कॉलेज। फैक्ट नंबर सिक्स, उन्होंने दो साल तक क्लासिक्स को पढ़ाया, उसके बाद में 1851 में वो अपॉइंट हुए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की पोजीशन पर, जहां पर वो अपनी ज़िंदगी के 25 इयर्स रहे। फैक्ट नंबर सेवन, उनके एक फ्रेंड की डेथ ने, जिनका नाम था डीन स्टैनले, उन्हें इंस्पायर किया और उन्होंने एक ओड लिखी जिसका नाम था वेस्टमिंस्टर एबे। फैक्ट नंबर एट, उनकी एक पोयम है जिसका नाम है ए साउथर्न नाइट, ये पोयम उन्होंने अपने ब्रदर की डेथ पर लिखी थी। फैक्ट नंबर नाइन, उनकी एक दूसरी पोयम है जिसका नाम है रग्बी चैपल, ये पोयम मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने फादर की मेमोरी पर लिखी थी। फैक्ट नंबर टेन, मैथ्यू आर्नल्ड को सेज राइटर या फिर द प्रोफेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी कहा गया था, क्योंकि इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी रीडर्स को एजुकेट किया सोशल इश्यूज़ पर। उस टाइम के जो सोशल इश्यूज़ थे उस पर इन्होंने अपने रीडर्स को इंस्ट्रक्शन दिया और उन्हें गाइड किया। फैक्ट नंबर 11, इन 1852 में उन्होंने अपना सेकंड वॉल्यूम ऑफ कलेक्शन पोएम का पब्लिश किया था, जिसका नाम था एम्पोडिकल्स ऑन इटना एंड अदर्स पोएम्स। फैक्ट नंबर 12, इसके बाद में इन्होंने दो पोएम और लिखी, सोहराब एंड रुस्तम एंड स्कॉलर जिप्सी, इन दोनों पोएम्स को इन्होंने इसी कलेक्शन में ऐड किया। फैक्ट नंबर 13, इन 1857 में मैथ्यू आर्नल्ड को ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ पोएट्री के पद पर नियुक्त किया गया, और सबसे पहले इन्होंने यहीं पर इंग्लिश में लेक्चर दिया था। इससे पहले लेक्चर लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते थे। फैक्ट नंबर 14, स्पेशली मैथ्यू आर्नल्ड जाने जाते हैं अपने क्लासिकल क्रिटिसिज्म के लिए, जो कि उन्होंने सोशियो कल्चर मैटर्स ऑफ इंग्लैंड पर दिए थे, स्पेशली क्लास स्ट्रक्चर पर, जो कि उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है इंग्लैंड की सोसाइटी को। पहला बारबेरियंस, जो कि एरिस्टोक्रेट थे, दूसरा द फिलिस्ताइन, जो कि मिडिल क्लास में आते हैं, एंड द थर्ड पॉपुलेस, जो कि लोअर क्लास थे। फैक्ट नंबर 15, मैथ्यू आर्नल्ड पर किन किन राइटर्स का प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, गोथे, सेंट बेवे एंड कार्डिनल न्यूमैन, इन राइटर्स का इन्फ्लुएंस मैथ्यू आर्नल्ड पर काफ़ी पड़ा था। फैक्ट नंबर 16, और अब बात करते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड ने किन किन राइटर्स को अपनी राइटिंग से इन्फ्लुएंस किया था, वो हैं टी एस एलियट, लायनल ट्रिलिंग, हैरोल्ड ब्लूम, डब्ल्यू बी ईट्स, जेम्स राइट, सिल्वर प्लाथ एंड शैरन ऑल्स। फैक्ट नंबर 17, मैथ्यू आर्नल्ड का मानना था कि लिटरेचर में या पोएट्री में सीरियसनेस होनी चाहिए, और ये सीरियसनेस ग्रांड स्टाइल की होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 18, मैथ्यू आर्नल्ड की एक ट्रेजेडी है जिसका नाम है मैरोप, जो पब्लिश हुई थी 1858 में। फैक्ट नंबर 19, रोमांटिक एज के एक महान राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ की मेमोरी पर उन्होंने लिखा है, द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम, वी स्टैंड टुडे बाय वर्ड्सवर्थ टॉम, ये लाइन उनकी एक पोएम मेमोरियल वर्सेस में लिखी है, जो कि उन्होंने 1850 में लिखी थी जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर 20, उन्होंने एक पोएम थायरेसिस 1867 में अपने एक क्लोज फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लो की डेथ पर लिखी थी। फैक्ट नंबर 21, अपने एक ऐसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम आर्नल्ड ने कहा है कि क्रिटिसिज्म इज़ ए पॉजिटिव एंड नोबल टास्क। फैक्ट नंबर 22, मैथ्यू आर्नल्ड की पोएट्री की जो मेन थीम है वो इस तरह से हैं, मेलनकली इन लाइफ,
लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, लॉस ऑफ लव, शार्प डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ट्रूथ, आर्नोल्ड्स ओन इसेंशियल होमलेसनेस इन द विक्टोरियन वर्ल्ड, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ ब्रिटेन, सेपरेशन एंड होपलेसनेस, कन्फ्यूजन इन लाइफ। फैक्ट नंबर 23, हालांकि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी जो लिटरेरी करियर की स्टार्टिंग की वो एज ए पोएट की थी, लेकिन उन्हें जाना गया उनके क्रिटिकल एसो की वजह से। फैक्ट नंबर 25, मैथ्यू आर्नोल्ड की डेथ 1888 में हार्ट अटैक से हुई थी जब वो लिवरपूल में अपनी वाइफ के साथ में अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे। एक्चुअली वो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे और उनकी जो बेटी है वो यूएसए से पोर्ट से आ रही थी, उस दौरान उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर 26, मैथ्यू आर्नोल्ड की मोस्ट अट्रैक्टिव पोएम्स जो हैं वो उनके बच्चों को एड्रेस हैं, मीन्स मैथ्यू आर्नोल्ड ने कई पोएम्स अपने बच्चों को डेडिकेट की हैं। फैक्ट नंबर 27, मैथ्यू आर्नोल्ड को फाउंडिंग फादर ऑफ एकेडमिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश समझा जाता है, सबसे पहला जिन्होंने सबसे पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल्स लिखे थे। फैक्ट नंबर 28, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की 1858 में डेथ हुई थी तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस लिखी थी एक पोएम, ये पोएम एक ट्रिब्यूट था विलियम वर्ड्सवर्थ को। फैक्ट नंबर 29, मैथ्यू आर्नोल्ड ने टचस्टोन मेथड को इन्वेंट किया था। अब ये टचस्टोन मेथड क्या है इसकी बात इसी वीडियो में हम लास्ट में करेंगे। अब बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे। इनके नोटेबल वर्क्स इस तरह से हैं, पहले हम पोएट्री की बात करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने लिखा वो स्टैंजा इन मेमोरी ऑफ द ऑथर ऑफ ओबेरमैन 1849 में लिखा था। उसके बाद में द स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स जो 1849 में लिखा था। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टिकल्स ऑफ वितना एंड अदर पोएम्स 1852 में लिखा था। उसके बाद में सोराब एंड रुस्तम 1853 में, ये एक नैरेटिव पोएम है और एक ट्रेजेडी है। इसके बाद में द स्कॉलर जिप्सी 1853 में, इसके बाद में स्टैंजा फ्रॉम द ग्रैंड कार्टराइज 1855 में, इसके बाद में मेमोरियल वर्सेज टू वर्ड्सवर्थ, इसके बाद में रग्बी चैपल 1867 में, इसके बाद में थैरेसिस 1865 में। मैथ्यू आर्नोल्ड के कुछ प्रोज वर्क भी हैं जो इस तरह से हैं, एसे इन क्रिटिसिज्म 1865, कल्चर एंड अनार्की 1869, फ्रेंडशिप गार्डलैंड 1871, लिटरेचर एंड डोगमा 1873, गॉड एंड द बाइबल 1875। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं वो आर्नोल्ड के एसे जरूर पढ़ के जाएं। इनके इम्पोर्टेंट एसे हैं एसे इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड डोगमा। ये तीन एसे मैथ्यू आर्नोल्ड के नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक सोनेट लिखी थी जो शेक्सपियर को एड्रेस करती है। ये बात की हमने मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइफ के और वर्क्स के कुछ फैक्ट्स की और उनके जो क्या क्या वर्क्स हैं उनकी। अब बात करते हैं उनकी पोएट्री का कैसा नेचर था। आर्नोल्ड की पोएम के बारे में हम कह सकते हैं कि ये डील करती हैं इंसान की साइकोलॉजिकल आइसोलेशन इश्यू से, मींस अकेलेपन से, और फोकस करती हैं कि किस तरह से इंसानों का विश्वास जो है वो कमज़ोर होने लगा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इवन मैथ्यू आर्नोल्ड को खुद रिलीजन पर डाउट्स था। मैथ्यू आर्नोल्ड को रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच ब्रिज माना जाता है क्योंकि इन्होंने सिंबॉलिक एलिमेंट्स का यूज़ किया रोमांटिक एज से, लेकिन उनका पेसिमिज्म और स्केप्टिसिज्म मीन्स दुख और डाउट्स ये मॉडर्न एज की क्वालिटी थी। इसके साथ साथ उनकी पोएट्री इमोशनल कम और रिफ्लेक्टिव ज़्यादा थी। आर्नोल्ड मानते थे कि पोएट्री लाइफ की क्रिटिसिज्म होती है जिसमें फिलोसफी होती है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि उनकी पोएट्री में नेचुरल सीनरी देखने को मिलती हैं। उनकी पोएट्री में नेचर का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो बिल्कुल लाइव होता है। इसमें इन्होंने मूनलाइट, लैंडस्केप और दूसरे नेचर के ऑब्जेक्ट्स को अपने वर्ड्स के थ्रू ड्रॉ किया है। अब हम मैथ्यू आर्नोल्ड के कुछ फेमस वर्क्स को डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। सबसे पहले लेते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की एक सोनेट जिसका नाम है शेक्सपियर। ये पोएम शेक्सपियर को एड्रेस करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम एक ट्रिब्यूट है शेक्सपियर के लिए। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये पोएम 1840 में लिखी थी। इस सोनेट में मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि दूसरे जो ग्रेट राइटर्स हैं, पोएट हैं या फिर प्लेराइट हैं, उनकी ग्रेटनेस पर क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन शेक्सपियर की जो ग्रेटनेस है वो फ्री फॉर क्वेश्चंस है, यानी कि उसकी ग्रेटनेस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मीन्स वो इस डिस्कशन से ही बाहर है। शेक्सपियर ग्रेट है और उस जैसा राइटर कोई दूसरा राइटर नहीं है। इस पोएम की कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं, अदर्स अबाइट आवर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क
thou smilest and art still, out topping knowledge for the loftiest hill, who to the stars uncrowns his majesty. अगर आपको इस पोएम की समरी डिटेल में चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड की एक पोएम है जिसका नाम है डिज़ायर, जो कि 1849 में पब्लिश हुई थी। ये आर्नोल्ड की शुरुआती दौर की पोएम है। इस पोएम में वह एक्सप्रेस करता है अपनी डिज़ायर को कि ह्यूमन काइंड को सभी ट्रबल से दूर और परेशानी से बचना चाहिए और प्राइड से बचना चाहिए, क्योंकि प्राइड जो होता है वो गॉड की ब्लेसिंग को दूर कर देता है और ज़िंदगी में ब्लाइंडनेस और अनकाइंडनेस ले आता है। इस पोएम की कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं। Thou who dost dwell alone, thou who dost know thine own, thou to whom all are known, from the cradle to the grave, save, oh, save। इसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड की नेक्स्ट पोएम है टू मार्गरेट कंटिन्यूड। ये एक शॉर्ट पोएम है जिसमें आर्नोल्ड ह्यूमंस को एक आइलैंड से कंपेयर करता है। वो कहता है कि जिस तरह एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से बहुत दूर होता है और उसके बीच एक विशाल समुंदर होता है, उसी तरह इंसान के बीच दूरियां हो रही हैं और लोग अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं। आगे वो कहता है कि सभी आइलैंड कभी ना कभी एक रहे होंगे, उसके बाद ये अलग होना स्टार्ट हुए होंगे। जैसे इंसान पहले एक साथ थे, एक साथ रहा करते थे और अब सब अलग अलग रहने लगे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आइलैंड दोबारा से एक हो जाएंगे और एक आइलैंड बन जाएंगे। वैसे ही इंसान भी अब अकेले हैं, अलग अलग रहते हैं, एक साथ रहने लगेंगे और ये सारी सोसाइटी जो है वो एक यूनाइटेड सोसाइटी हो जाएगी। इस पोएम की कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं। यस इन द सी ऑफ लाइफ इन स्लीर विद इकोइंग स्ट्रेट्स बिटवीन अस थ्रोन, डू थिंक द सोरलेस वाटर वाइल्ड वी मॉर्टल मिलियंस लाइव अलोन। मैथ्यू आर्नल्ड की नेक्स्ट पोएम है ए समर नाइट 1852 में जो पब्लिश हुई थी। इस पोएम का स्पीकर इवनिंग टाइम में एक स्ट्रीट पर घूम रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट के चारों तरफ घर हैं और घर के सभी विंडोज़ क्लोज हैं, स्ट्रीट पर कोई नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। स्पीकर स्ट्रीट के ऊपर देखता है, दोनों तरफ घरों की दीवारें दिखाई देती हैं और उनके बीच स्काई दिखाई देता है और स्काई में उसे मून दिखाई पड़ता है। ये देखकर वो अपने एक पास के एक्सपीरियंस को याद करता है जब वो समुंदर के किनारे पर खड़ा हुआ था और उसके सामने माउंटेंस थे और स्काई में मून चमक रहा था और उसे लगता था कि जैसे मून कुछ पूछ रहा हो उससे और ये पूछ रहा हो कि वो अपने बीते हुए कल की तरह बेचैन क्यों है, क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहा है। इसके रेस्पॉन्स पे वो कहता है कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उन लोगों जैसा बने जो अपनी ज़िंदगी को मटेरियलिस्टिक वे में स्पेंड करते हैं, या फिर वो उनसे अलग बने। उसका हार्ट ना तो डेड है और ना ही फुल ऑफ पैशंस है। इस पोएम में ऐसी ही थॉट्स हैं और यही इसका सेंट्रल आइडिया है। और इसकी कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं। इन द डेजर्टेड मून ब्लांच स्ट्रीट, हाउ लोनली थिंक्स द इको ऑफ माई फीट, दोज विंडोज विच आई गेज एट फ्रॉन, साइलेंट एंड वाइट अन ओपनिंग डाउन। मैथ्यू आर्नल्ड का नेक्स्ट वर्क आता है कॉन्सोलेशन। ये एक पोएम है जो लिखी गई थी 1852 में। ये पोएम टाइम के इफेक्ट और उसके रूथलेस के बारे में है। इस पोएम में आर्नल्ड कहता है कि टाइम सबके लिए अलग अलग तरह से गुजरता है। कोई चाहता है कि जो टाइम उसके साथ चल रहा है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और कोई चाहता है कि ये जो मोमेंट है ख़त्म ना हो जाए, इसलिए ये समय यहीं पर रुक जाए। इस पोएम की फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं। मिस्ट क्लॉक्स द सनशाइन, स्मोकी ड्वार्फ हाउसेस हैम मी राउंड एवरीवेयर, ए वेज डिजेक्शन वेक डाउन माई सोल। इसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड का नेक्स्ट वर्क आता है सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम एक नरेटिव पोएम है जिसमें एक एपिसोड को डिस्कस किया गया है। इस पोएम की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम है और ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1853 में। मैथ्यू आर्नल्ड ने ये पोएम एक पर्शियन राइटर की इपिक शाहनामा से ली है। इस एपिक में भी यही सेम स्टोरी है और इसका नाम उसने सोहराब एंड रुस्तम रखा है, जो शाहनामा के दो अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। ये दोनों फादर एंड सन हैं। मैथ्यू आर्नल्ड ने शाहनामे की स्टोरी को रिटेलिंग किया है और इस पोएम में 892 लाइंस हैं। और ये स्टोरी है रुस्तम की, जो एक स्ट्रॉन्ग किंग होता है और एक दिन वो एक दूसरे राजा से मिलता है जिसकी एक बेटी होती है, उसका नाम होता है तहमीना।
रुस्तम तैमिना से शादी कर लेता है। बाद में रुस्तम को एक जंग की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो कहता है अगर मेरे बाद एक लड़की हो तो उसको अच्छे से पालना, लेकिन अगर बेटा होगा तो वो उसके लिए आएगा और उसे राजा बनाएगा अपनी तरह। और रुस्तम वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद रुस्तम की वाइफ को एक बेटा होता है, लेकिन तैमिना डर जाती है कि अगर मैंने रुस्तम को ये बताया कि उसको एक बेटा हुआ है तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा और वो फिर से अकेली रह जाएगी। तो वो रुस्तम को खबर पहुँचाती है कि उसके एक बेटी हुई है। रुस्तम ये सुनकर निराश होता है, लेकिन लड़की की परवरिश के लिए वो पैसे भिजवाता है। तैमिना उस लड़के का नाम सुराब रखती है। ये बेटा जब बड़ा हो जाता है तो फादर के बारे में पूछता है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसके फादर रुस्तम है। तो वो अपने फादर की तलाश करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सुराब एंड रुस्तम आमने सामने लड़ने के लिए आ जाते हैं जंग के मैदान में, और रुस्तम सुराब को मार देता है। लेकिन जब रुस्तम एक निशानी सुराब के हाथ में पहने हुए देखता है तो रुस्तम को पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि उसका ही बेटा है। ये निशानी उसने तैमिना को दी थी अपने बेटे को देने के लिए, और उससे ये क्लियर हो जाता है कि उसने अपने ही बेटे की जान ले ली, और ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। और इसी के साथ में इस स्टोरी का एंड हो जाता है। इसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड का नेक्स्ट वर्क आता है द स्कॉलर जिप्सी, जो पब्लिश हुई थी 1853 में। ये पोयम सुराब एंड रुस्तम के ठीक बाद लिखी गई थी। ये स्टोरी 17 सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड में पाई गई थी, जो लिखी थी जोसेफ ग्लैनविले ने अपनी एक बुक द वैनिटी ऑफ डोगमेटाइजिंग में, जो लिखी थी उन्होंने 1661 में। ये पोयम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोयम है मैथ्यू आर्नल्ड की, और इसकी कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं। गो फॉर दे कॉल यू सैफर्ड फ्रॉम द हिल, गो सैफर्ड एंड अनटाई द वेटल कॉट्स, नो लॉन्गर लीव द विशफुल फ्लॉक अनफीड, नोर लेट द बाउलिंग फ्लॉव्स रैक देयर थ्रोट्स। इस पोयम में स्कॉलर जिप्सी पोएम का नरेटर है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूरल सेटिंग को डिस्क्राइब करता है। ये विलेज ऑक्सफोर्ड से दूर है और ये नरेटर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ रहता है और वहाँ पे एक शेफर्ड को देखता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। स्पीकर कहता है वो वहाँ पे सनसेट होने तक रहेगा क्योंकि वहाँ पे नेचर को इंजॉय कर रहा है वो, और उसके पास में एक बुक है वो उसे अपने साथ रखेगा। उसकी इस बुक में एक फेमस स्टोरी है, जो स्टोरी जोसेफ ग्लैनविल ने लिखी थी एक ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट के बारे में, जो अपनी पढ़ाई को छोड़ के जिप्सीज के बैंड को ज्वाइन कर लेता है। बैंड मीन्स उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और जिप्सीज के साथ वो उनके तौर तरीके और उनके ट्रेड के सीक्रेट्स को सीखता है। इस स्टोरी में बाद में स्पीकर नरेट करता है कि उस स्टूडेंट को दो उसके साथ ही स्टूडेंट मिलते हैं, जिन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स को ये स्कॉलर जिप्सी ये बताता है कि वो जिप्सीज के साथ इसलिए रह रहा है क्योंकि वो उनके तौर तरीके को सीख सके, और वो किस तरह चीज़ों को सीखते हैं वो ये सब सीख रहा है, और वो उनके साथ तब तक रहेगा जब तक कि वो उनके बारे में सब कुछ ना सीख जाए। इसके बाद कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने ब्रकशायर मूर में स्कॉलर जिप्सी को देखा है। इसके बाद में स्पीकर स्कॉलर जिप्सी को एक शेडोई फिगर बताता है जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोग उसके होने का एहसास करते हैं। बाद में स्पीकर खुद ये क्लेम करता है कि उसने खुद एक बार स्कॉलर जिप्सी को देखा है। हालांकि इस कहानी को 200 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी लोग उसे देखने का दावा करते हैं। इतने लंबे टाइम के बाद भी स्पीकर को बिलीव है कि स्कॉलर जिप्सी जिंदा है, क्योंकि वो मॉडर्न लाइफ के मिसफॉर्च्यून से बचा हुआ है। ये मॉडर्न लाइफ के मिसफॉर्च्यून और उसका असर इतना डेंजर होता है कि धीरे धीरे ये किसी भी इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक स्ट्रेन डिजीज़ की तरह होता है। और लास्ट में वो कहता है कि स्कॉलर जिप्सी ने अपने आप को उन लोगों से बचा लिया जो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए वो इन्फेक्टेड नहीं है और अभी तक इसीलिए ज़िंदा है। इसके बाद में उसकी दूसरी पोएम आती है जिसका नाम है ए ड्रीम। 1853 में ये पब्लिश हुई थी। इस पोएम में स्पीकर और उसका एक फ्रेंड जिसका नाम है मार्टिन एक बोट में कहीं जा रहे हैं। चारों तरफ ट्रीज हैं और दूर उन्हें एक माउंटेन पर एक कॉटेज दिखाई दे रहा है। यहाँ दो वुमेन दिखाई दे रही हैं जिनका नाम ओलिविया और मार्गरेट है। चारों तरफ ब्यूटीफुल नेचुरल सीन है। दोनों कपल एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद कॉटेज और बाकी सब कुछ गायब होने लगता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये एक ड्रीम है और यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है।
इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्क आता है वो है थायरेसिस, जो कि 1866 में पब्लिश हुआ था। मैथ्यू आर्नल्ड का एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था आर्थर ह्यू क्लो, जो महज 42 ईयर्स ओल्ड था और उसकी डेथ हो गई थी 1861 में। अपने इसी क्लोज फ्रेंड की डेथ पर मैथ्यू आर्नल्ड ने ये पोएम लिखी है। ये जो करेक्टर है थायरेसिस का, ये विर्जिल ने अपने 7th एक्लॉग में यूज़ किया था एज ए सेफर्ड। थायरेसिस का स्पीकर ऑक्सफोर्ड से बाहर है और उसी जगह पे है जहाँ पे स्कॉलर जिप्सी का नरेटर होता है। मीन्स एक ब्यूटीफुल रूरल सेटिंग है और वो उसका फ्रेंड थायरेसिस एक बार यहाँ विजिट करने के लिए आए थे। तब ये बहुत ब्यूटीफुल हुआ करता था, लेकिन अब वो दोनों ये देख के दुखी हैं कि ये सब कुछ चेंज हो गया है। रूरल ब्यूटी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर सिटी बनने लगी है चारों तरफ। वो दोनों वहाँ पर एक एल्म ट्री को देखते हैं जिसकी वो तारीफ़ किया करते थे और कहते थे कि स्कॉलर जिप्सी तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक कि ये ट्री ज़िंदा है। अब जब स्पीकर दोबारा यहाँ आया है तो वो और भी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है उसकी डेथ हो चुकी है। थायरेसिस मर चुका है जो अब लौट के वापस नहीं आएगा। ये पोएम उसके फ्रेंड की डेथ पर लिखी गई है, जिसमें वो दुखी है और वो कहता है कि थायरेसिस की डेथ के साथ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत चीज़ें बदल गई हैं और बहुत चीज़ें गायब हो गई हैं जो अब दिखाई नहीं देती। जैसे एक बोट वाली लड़की, वो थायरेसिस और उससे मिला करती थी और दोनों आपस में बातें किया करते थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देती। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। और इस पोएम की कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं, हाउ चेंज इज हियर ईच स्पॉट मैन मेक्स और फील्स इन द टू हिंग सेज नथिंग कीप्स द सेम द विलेज स्ट्रीट इट्स हॉन्टेड मैंशन स्लैक्स एंड फ्रॉम द साइन इज गोन साइबेलाज नेम। इसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड का नेक्स्ट वर्क आता है जिसका नाम है डोवर बीच। ये पोएम एक लिरिक पोएम है जो पब्लिश हुई थी 1867 में और ये पब्लिश हुई थी उसके एक पोएट्री कलेक्शन में जिसका नाम था न्यू पोएम्स। इस पोएम में स्पीकर जो होता है वो अचानक से एक ग्रीक प्लेराइट के बारे में सोचता है जिसका नाम होता है सोफोक्लीस। इस पोएम की थीम मैथ्यू आर्नल्ड की दूसरी पोएम्स की थीम जैसी ही है। इस थीम को उसने अपनी पिछली कई पोएम्स में रिपीट किया है। ये थीम है कि किस तरह लोग अकेले हो रहे हैं और अलग हो रहे हैं नेचर से और एक दूसरे से, और सब अपने आप में लगे हुए हैं। प्यार मोहब्बत से लोगों का विश्वास ख़त्म हो चुका है और सबसे ज़रूरी, लोगों का विश्वास क्रिश्चियनिटी से भी बहुत कम होता जा रहा है। और यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। इसमें आर्नल्ड अपने दुख को एक्सप्रेस करता है और दुखी होता है कि लोगों का रिलीजन से विश्वास उठ रहा है। ये विक्टोरियन टाइम था जब साइंस प्रोग्रेस कर रहा था और लोग और ये सोचते थे कि साइंस से सब पॉसिबल है और ईश्वर महज एक कल्पना है। लोग अपने कल्चर को भूल रहे हैं और मॉरल वैल्यूज़ को इग्नोर कर रहे हैं और इन सब से क्रुएल्टी, धोखेबाजी और नाउम्मीदी लोगों में पनप रही है। इस पोएम को डिटेल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के लिंक के थ्रू आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस पोएम की कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से है, द सी इज़ काम टू नाइट द टाइड इज़ फुल द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। मैथ्यू आर्नल्ड का नेक्स्ट वर्क आता है रग्बी चैपल। ये पोएम एक एलिजी है जो मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने फादर थॉमस आर्नल्ड के लिए लिखी थी। इस पोएम में मैथ्यू आर्नल्ड अपने पिता के वर्च्यूज को डिस्क्राइब करता है। इस पोएम के पहले स्टैंजा में पोएट हमें बताता है अपने चारों तरफ के बारे में। ऑटम का सीजन है और कोल्ड है और दुख का माहौल है। पेड़ों की पीली जो पत्तियां हैं वो गिर रही हैं और चारों तरफ खामोशी है। लाइट जल रही है विंडो पर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ डार्क है और सर्दी है। नेक्स्ट वो बताता है कि यहाँ पर इस चैपल में, रग्बी चैपल में, पोएट के जो फादर हैं वो लेटे हुए हैं। मीन्स उनकी वहाँ पर ग्रेव है। इसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड बात करता है उस टाइम की जब उसके फादर जो थे वो जिंदा थे। उस टाइम में नवंबर का महीना भी ब्राइट लगता था। पोएट के फादर को मरे हुए 15 साल बीत गए हैं और पोएट की फैमिली उनके बिना अकेला महसूस करती है। इसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड दूसरे लोगों के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो ऐसे ही बिना वजह के चारों तरफ घूमते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, जैसे कि समुद्र की लहर आती है और चली जाती है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता।
और ना ही उन्हें कोई याद रखता है। लेकिन दूसरी तरह के भी लोग होते हैं जिनमें पैशन होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, उनके पास एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है जिसके लिए वो काम करते हैं। उनके रास्ते में काफ़ी परेशानी होती हैं, काफ़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन वो उसको पार करते हैं, उसको फेस कर लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ में उनके जैसे ही फ्रेंड्स भी चलते हैं, लेकिन जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, वो अलग अलग हो जाते हैं और डेस्टिनेशन तक सिर्फ कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। पोएट के पिता काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने ये सारी ज़िंदगी की परेशानियों को झेला, उनको पार किया और हमेशा वो खुश रहे और दूसरों की मदद की। इस दुनिया में जब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आती है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग थक जाते हैं और इन सब चीज़ों से परेशान होकर वे डिवाइडेड हो जाते हैं और एंड में वो अकेले मर जाते हैं। और उस टाइम पर उसके पिता जैसे एंजल्स अपेयर होते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं। ये इन लोगों को यूनाइट करते हैं और उस इंसान में नई एनर्जी आ जाती है, नई उम्मीद आ जाती है और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। इसके बाद में कुछ और पोएम्स हैं मैथ्यू आर्नल्ड की जो उन्होंने लिखी हैं, वो इस तरह से हैं। ए विश 1867 में जो पब्लिश हुई थी, बैकनेलिया 1867, ऑस्टेरिटी ऑफ द पोएट्री 1867, कैडमस एंड हारमोनिया ईस्ट लंडन 1867, वेस्ट लंडन 1867, फ्रॉम द हाइम ऑफ एम्पेडकल्स 1852, अपोलो मुसेगेट्स 1852, एपिलॉग टू लेजिंग लकून 1867। हमने इस वीडियो में मैथ्यू आर्नल्ड की उन्हीं पोएम को डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन सब पोएम के आपको टाइटल ज़रूर याद होने चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड ने जो माइथोलॉजिकल करेक्टर या एलिमेंट को यूज़ किया है अपनी पोएट्री में, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ माइथोलॉजिकल करेक्टर हैं जो इस तरह से हैं, कैडमस एंड हारमोनिया। कैडमन एक फोनेशियन प्रिंस था जो फाउंडर था थीब्स सिटी का। ये हारमोनिया नाम के एक गोडेस से प्यार करता है और उससे शादी कर लेता है। शादी के कुछ दिन बाद जब वो साथ साथ में काफ़ी दिन रहते हैं, उसके बाद उसे जंग के लिए जाना पड़ता है और रास्ते में उसे एक सेक्रेट ड्रैगन मिलता है जिसे वो मार देता है, जिससे कि जो गॉड होते हैं वो उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसे एक सरपेंट में चेंज कर देते हैं। तब हारमोनिया ये देखती है तो हारमोनिया भी कहती है कि उसे भी वैसे ही चेंज कर दे जैसे उसके हस्बैंड को किया है। तो गॉड उसकी विश को भी ग्रांट कर लेते हैं और उसे भी एक सरपेंट में चेंज कर देते हैं। दूसरा माइथोलॉजिकल करेक्टर आता है बैकस। ये एक रोमन गॉड है जो काउंटर पार्ट है डायनोसियस का। डायनोसियस ग्रीक गॉड है और गॉड है वाइन का, जिसने वाइन को इन्वेंट किया था। साथ ही साथ ये आर्ट का भी देवता है। ये ज्यूस का बेटा है और ज्यूस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ज्यूस जो है वो किंग ऑफ गॉड्स है। बैकस एंड डायनोसियस एक ही समझे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट माइथोलॉजिकल करेक्टर आता है अपोलो का। अपोलो ग्रीक और रोमन गॉड है जो कि सन एंड म्यूजिक का गॉड है। ये ट्विन ब्रदर है आर्टेमिस का। आर्टेमिस मीन्स डियाना, रोमन माइथोलॉजी में एक गॉडेस है। इसके पास में एक चैरियट होता है जिसमें 4 हॉर्सेस होते हैं और जो उड़ते हैं अक्रॉस द स्काई, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसके साथ साथ में अपोलो म्यूजिस का भी लीडर है। म्यूजिस एक ग्रुप है 9 गॉडेस का। ये गॉडेस का ग्रुप इंस्पायर करता है लोगों को लिटरेचर के लिए और पोएट्री के लिए और आर्ट्स के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट माइथोलॉजिकल करेक्टर आता है सोफोक्लीज का। सोफोक्लीज एक माइथोलॉजिकल फिगर एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये एक प्लेराइट है ग्रीक का, जिसने कई माइथोलॉजिकल प्लेस लिखे हैं जो काफ़ी फेमस हैं। इसका सबसे फेमस वर्क है ओडिपस द किंग। इस फिल्म में स्टोरी है एक थीबियन मैन की जो ना जानते हुए अपने फादर को मार देता है और अपनी माँ से शादी कर लेता है। इसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड का नेक्स्ट वर्क आता है मेमोरियल वर्सेस। ये रोमांटिक एज के पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए एक एलेजी है। मैथ्यू आर्नल्ड इस पोएम में वर्ड्सवर्थ की वैल्यू को दूसरे जो पोएट्स हैं उनके बीच में रखता है और मैथ्यू आर्नल्ड को वो लास्ट पोएटिक वॉइस कहता है। इस पोएम की फर्स्ट लाइन कुछ इस तरह से हैं, फॉर नेवर हैज सच ए सूथिंग वॉइस बीन टू योर शेडोवी वर्ल्ड कन्वेड सिंस अरेस्ट एट मॉर्न Some wandering shade heard the clear song of Orpheus come through Hades and the mournful gloom. इसके बाद इनके ऐसे के बारे में बात करते हैं जो poetic criticism पर बेस हैं। इनका एक ऐसे है जिसका नाम है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। इसमें आर्नोल्ड एक्सप्लेन करता है एक क्रिटिक के बेसिक टास्क को, कि एक क्रिटिक का कैसा काम होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए।
मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग एक क्रिटिक को जो वर्क है उसे वैसा का वैसा ही एनालाइज करना चाहिए, उसी की क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ों को लेकर उसके साथ में उसे भी मिला देना चाहिए। मीन्स जो क्रिटिक के पास में वर्क है उसका टेक्स्ट ही उसके लिए सब कुछ होना चाहिए, और इस टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उसे किसी दूसरे टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में वो कंडेम करता है फॉल्स क्रिटिसिज्म को जो बाइस होती है या फिर किसी दूसरी चीज़ों से इंस्पायर होती है। वो कहता है कि जो क्रिएटर होता है टेक्स्ट का वो क्रिटिक से ज़्यादा ग्रेट होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है वो क्रिटिसिज्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसके बाद में वो ये भी कहता है कि ये क्रिटिक ही होता है जो असली मीनिंग को निकालता है टेक्स्ट से। मीन्स जो भी लिटरेरी वर्क क्रिटिक्स के सामने होता है, क्रिटिक्स उसमें से ट्रू मीनिंग निकाल के रीडर्स को देता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्नोल्ड दो एग्जांपल देता है, दो पोइट्स के, गोथे एंड बायरन के। गोथे और बायरन के पास में ग्रेट प्रोडक्टिव पावर थी, लेकिन गोथे की प्रोडक्टिव पावर जो थी वो बायरन की प्रोडक्टिव पावर से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि गोथे के पास में एक रिच कल्चरल बैकग्राउंड था लेकिन बायरन के पास में ये नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे शेक्सपियर जो था एक डीप रीडर नहीं था। शेक्सपियर इसलिए ग्रेट हुआ क्योंकि उसकी एज और उसका एनवायरनमेंट जो था उसकी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल था, या फिर हम कह सकते हैं सपोर्टिव था, उसी के लायक था। इसके बाद बात करते हैं टचस्टोन मेथड की। ये टचस्टोन मेथड क्या है और आर्नोल्ड ने ये क्यों दिया था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्जाइनस से बोरो किया है, लॉन्जाइनस के ट्रू सबलिमिटी से बोरो किया था। ये मेथड उसने दिया था पोएट्री को जज करने के लिए। उसने कुछ टचस्टोन दिए जैसे कि होमर, मिल्टन, शेक्सपियर, दांते। अगर हम किसी राइटर के वर्क को जज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें उस वर्क को जिसे हम जज करना चाहते हैं इन टचस्टोन के वर्क्स के सामने रखना होगा। अगर ये वर्क टचस्टोन के वर्क के समान है, यानी कि उनके जैसा है, तो ये अच्छा है। अगर उनके स्टाइल, कंपोजिशन, डिक्शन के बराबर नहीं है तो हम जज कर सकते हैं कि ये वर्क जो है वो ठीक नहीं है। इसको कहा जाता है टचस्टोन मेथड। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कुछ राइटर ऐसे टचस्टोन हैं जिनको अगर कोई पोएट्री टच करती है या कोई वर्क टच करता है तो वो अच्छा माना जाता है, और अगर उन तक नहीं पहुंच पाता तो ये वर्क अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू आर्नोल्ड ठीक नहीं है। अब इस वीडियो के लास्ट में एक एडिशनल नॉलेज के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने वर्क्स में जॉफ्री चौसर की काफ़ी तारीफ की है। उसने कहा कि उसकी जो राइटिंग है वो लिक्विड डिक्शन है, और चौसर अपने कंटेंट में और स्टाइल में ग्रेट था, लेकिन जॉफ्री चौसर क्लासिकल पोइट्स के बराबर नहीं रहा क्योंकि चौसर में हाई सीरियसनेस की कमी थी। मीन्स चौसर का जो वर्क था वो सीरियस नहीं था उन राइटर्स की तरह जो क्लासिक राइटर्स थे, जैसे दांते, शेक्सपियर, जो कि अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू आर्नोल्ड क्लासिक्स राइटर्स माने जाते हैं। इसके बाद में वो अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन को क्लासिकल प्रोज राइटर मानता है रेस्टोरेशन पीरियड का। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।